चार साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई। पहले दिन दर्शकों के फिल्म देखने के बाद मिल रहे रिव्यू से साफ होता है कि फिल्म का भविष्य कैसा होगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि आखिर क्या रहा है मिस्टर परफेक्शनिस्ट के ड्रीम प्रोजेक्ट लाल सिंह चड्ढा का हाल। पिछले चार साल से फिल्म पर काम कर रहे आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा गुरुवार को बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई। आमिर खान के चाहने वालों को चार साल से लंबा इंतजार था उनकी मूवी का, जो गुरुवार को पूरा हुआ। हालांकि पिछले महीने से फिल्म को चल रहे विरोध के चलते कई कयास लगाए जा रहे थे, पर गुरुवार को फिल्म रिलीज हुई और दर्शक भी फिल्म देखने पहुंचे। आमिर खान की बाकी फिल्मों की तरह इस फिल्म में पहले दिन लोगों की भीड़ देखने को नहीं मिली, पर जो देखने पहुंचे उन लोगों के रिएक्शन कैसे रहे आप देखिए। बोरिंग, क्योंकि एक तो पिक्चर इतनी लंबी है, 3 घंटे की पिक्चर है, वो चलती नहीं आजकल। छोटी पिक्चर शॉर्ट फिल्म भी चलती है आजकल, और आमिर खान का जो एक्टिंग है ओवर एक्टिंग है। ऐसा उसने और भी रोल पहले किया हुआ है PK वगैरह में, और ऐसा दूसरी पिक्चर भी आ गई थी सलमान खान की ट्यूबलाइट वगैरह, तो स्टोरी में कुछ दम नहीं है। ऑनेस्टली सबसे वीक पॉइंट बोलो फिल्म का तो आमिर खान ही है। कैरेक्टराइजेशन को इतना ड्रैग किया है उन्होंने, अपने आप को एक ओवरली क्यूट सरदार जी, उनके जो डायलॉग्स है बहुत ही एक क्रिंजीनेस जो जैसे हम कहते हैं वो दिखाया है स्क्रीन पे, तो मज़ा तो नहीं आया बिल्कुल भी। कुछ सीन्स डेफिनेटली काफ़ी टचिंग थे, बट वो ओरिजिनल में भी उतने ही टचिंग थे। पर उसके अलावा अगर बात करूँ तो फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिसे देखने के लिए मैं स्पेशली किसी से अपील करूँ। और बोलते हैं ना आखिरी में मैं थक गया हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, वही पिक्चर देख के मेरा भी हाल हुआ है, मैं थक गया हूँ और पिक्चर देख के मैं घर जा रहा हूँ। सो के आया हूँ, बाकी कुछ नहीं। सो गए थे? मैं तो सो गया। क्यों, क्या हो गया? बोरिंग, बोर हो गया। इससे लग रहा था दोस्त को बोल देता दूसरा कौन सा देख लेते तो अब परवड़ता, बट लाल सिंह चड्ढा है ठीक है बट उतना नहीं। सो सकते हो आप उस उधर जाके? सो सकते, सोने के लिए अगर आपको पैसा देना है तो बिल्कुल जाओ देखने के लिए। आमिर का परफॉर्मेंस पीके जैसा और कुछ नहीं, वही जैसा है वैसा है। कहानी क्या है उसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स दिखाए, उसकी पास स्टोरी दिखाई है कि वो ट्रेन में ट्रैवल करता रहता है, ये सब है बचपन से लेके अब तक क्या हुआ। मैंने 2-3 चीज़ें प्रेडिक्ट की थी वो तो हो गई, जैसे पिक्चर चालू हो गई थी उसके गर्लफ्रेंड का नाम रूपा दिखाया है। करेक्ट। उसके बाद में रूपा फ्रंट लाइन आपको पता ही है वो है मूवी में। okay. असली मालक दिखा है लाल सिंह चड्ढा है, अभी कोई दूसरे है। आप भी रूपा फ्रंट लाइन यूज करते हो कि नहीं? नहीं नहीं, वी आर जॉकी मेरे घर हो गए पिक्चर इतने। बहुत बहुत बोर। 5 में से कितने मिलेंगे आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को? लाल सिंह चड्ढा के लाइफ स्ट्रगल को 3 स्टार दे सकता हूँ, पिक्चर के लिए 2 स्टार। लाल सिंह चड्ढा कैसे लगे आपको भाई? लाल आमिर खान 4 साल बाद आए, 4 साल के बाद आए, जो उम्मीद अपन लोग लगा के रखे थे 4 साल के बाद आएगा आमिर खान आएगा, वो उम्मीद पे खरा नहीं उतरा है। और कैसे अपन लोग देखते हैं PK, 3 Idiot ये सब पिक्चर देख के हम लोग उससे इंस्पायर हुए, वैसे कोई खास पिक्चर नहीं है। अपन लोग सोचे PK जैसा या दंगल जैसा कुछ होगा, नया आएगा 4 साल के बाद आमिर खान आएगा तो मतलब लगेगा भाई हाँ आगे आया है 4 साल के बाद। वैसे देखा पिक्चर बोरिंग करती बहुत, पका दिया। आमिर खान से बॉलीवुड वैसे भी पहले आमिर खान वैसे भी वो कर रहे थे कि बायकॉट, पिक्चर ऐसी आ गई है। अच्छी पिक्चर होती तो चलती भी, जब उसका पब्लिक रिव्यू खराब जाएगा तो मतलब खराब है पिक्चर। ओ पब्लिक का तो एक चांस और मिल गया, बायकॉट करने का मतलब भी उठ गया है। अब यही एक माना होगा, बायकॉट कर दिया। जब पब्लिक का रिव्यू नहीं अच्छा आएगा तो पिक्चर चलेगी नहीं, अब उसको बायकॉट बोलो या कुछ भी बोलो। बोरिंग पिक्चर कैसा है? पिक्चर बहुत बड़ी है, पिक्चर बहुत बड़ी है, 2.5 घंटे 2.75 घंटे के बच्चे। इतनी बड़ी पिक्चर नहीं बनाना चाहिए था आमिर खान को। और आमिर खान कैसा है अपना पुरानी पिक्चरें कैसे बना रहा है, और वैसे अब नएपन में कुछ खास नहीं ला रहा है। कहानी बिल्कुल नहीं जमी। कहानी क्यों नहीं पसंद? अब मेरे ख्याल से ये 4 साल लगाया है, मेहनत लगी है, चार साल सिर्फ ये दौरा है। वो पिक्चर में पूरी बताया है उसने, अभी 4 साल में भागा हूँ वो 4 साल भागा है। और बोलता है ना आखिरी में मैं थक गया हूँ,
मैं घर जा रहा हूँ। वही पिक्चर देख के मेरा भी हाल हुआ है, मैं थक गया हूँ और पिक्चर देख के मैं घर जा रहा हूँ। फिर भी करीना कपूर कैसे लगी? करीना कपूर का काम कोई खास नहीं है भाई। अच्छा, वो चमड़ी देखते हो ना, चमड़ी वही वाला काम है उसका, जिसके बाद पैसा उसका वो पल्ला भारी। उसको स्टार बनना है, स्टार वाला कोई काम नहीं उसका। हाँ, नहीं, जैसे थ्री इडियट में देखा था अपन ने, वैसी कोई कहानी नहीं है। बिल्कुल बेकार पिक्चर लगी मेरे को भाई, सच बोलूँ तो। पैसा मैंने 4 दिन पहले ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया था, मैं सोचा हाउसफुल ना हो जाए। अंदर आया तो देखा भाई ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 आदमी आया होगा। और हाँ, और कोई पिक्चर में खास नहीं, मेरे को नहीं अच्छी लगी।